ये रहा झारखंड, ये रहा बिहार। यहाँ पे किस चीज का बैरियर लगता है 200 रुपया? ये बिल्कुल जरूर ज्यादा ना, अपना काम कीजिए आप अपना काम कीजिए, पहले तो बंद कर, अपना काम कीजिए, बंद कर पहले, भैया से 200 रुपया मांग रहा था और अपनी मर्जी से जो है 200 रुपए का पर्ची काट दे रहा था, पता नहीं क्यों और किस चीज का। फिर हाथापाई भी करने लगा, फिर फोन छीनने लगा, फिर एक मिनट दादू करवा लो। ये देखें इस गाड़ी का कंडीशन, देखें ये चेक करो, हर छोटे से छोटे ढाबे पे कुआं रहता ही रहता है भाई, इसलिए कि ड्राइवर आदमी सब आएगा, नहाएगा, खाना खाएगा, फिर गाड़ी लेगा और निकल जाएगा। तो चाय कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग फिर से निकल रहे आसनसोल से, और अभी नज़ारा चेक करें कितना खूबसूरत हो रहा भाई। ये चेक करें, अभी का टाइम भी चेक कर लें, और ये देखें कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है ये। तो हम लोग पहुंच चुके हैं पानागर, और ये है पानागर का टोल टैक्स। तो फाइनली हम लोगों का डेस्टिनेशन जो है आ चुका है। तो फाइनली अब हम लोग जो है बंगाल क्रॉस करके झारखंड में एंटर करने वाले हैं, और झारखंड में एंटर करने से पहले झारखंड आने का एक सबूत ये है कि हर तरफ आपको पहाड़ पहाड़ दिखेगा भाई साहब। और अब आने वाला झारखंड बॉर्डर कुछ समय में। ये है झारखंड की शान, बिल्कुल पहाड़ पहाड़, ऐसा लग रहा है कि टाटा जमशेदपुर झारखंड में जो डिमना पहाड़ आता है वैसा पहाड़ दिख रहे हैं। झारखंड में घुसते ही इतनी गर्मी हो रही है कि हाथ पांव सब पसीजने लगा। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अभी धनबाद में, और आपको सामने का नज़ारा सीन दिखाते हैं कितना खूबसूरत है, ये चेक करें। और अभी हम लोग रुके हुए हैं ढाबे पे, और यहाँ पे हम लोगों का होगा अभी नहाना। ये रहा यहाँ पे कुआं, कुएं से पानी निकालो, मस्त नहा लो भाई, और आराम से फिर खाना पीना खा के फिर लेकर गाड़ी चलो आप अपने डेस्टिनेशन पे, आई मीन पटना। यहाँ हम लोगों की गाड़ी लगी हुई है, और ये रहा ढाबा, ये चेक करो, हर छोटे से छोटे ढाबे पे कुआं रहता ही रहता है भाई, इसलिए कि ड्राइवर आदमी सब आएगा, नहाएगा, खाना खाएगा, फिर गाड़ी लेगा और निकल जाएगा। तो अभी हम भी जो है यहाँ पे अभी इस कैप को धोएंगे, बिल्कुल गंदा हो चुका है, उसके बाद कपड़ा धोएंगे, फिर ये नहाएगा आलसी आदमी, उसके बाद फिर हम लोग जो है खाना उना खा के आगे निकलेंगे भाई। पानी भी एकदम क्लियर है, एकदम फ्रेश। ओह अभी नहा लिया जाएगा, कपड़ा कितना गंदा हो गया। एक दिन में कपड़े का कंडीशन देखें, सामने का है ये और ये अंदर का देखें, कितना मतलब डिफरेंट है भाई। एक दिन में कपड़ा गंदा, अब यहाँ पे आराम से नहाएंगे, और कुआं का जिंदगी में पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस मिल रहा है। आराम से नहाओ, मस्त खाना खाओ, कपड़ा भी सूख जाएगा जब तक, और फिर खाना भी हो जाएगा। चलो हम कंटिन्यू करते हैं। तो फाइनली नहा कर हो चुके हैं रेडी, अब टाइम आ गया खाना खाने का इसके अंदर में। तो फाइनली अपना खाना आ चुका है, और खाना ये देखें, दाल है, सोयाबीन आलू की सब्ज़ी है, भुजिया, प्याज, मिर्चाई और चावल, और सामने का व्यू चेक करें कितना खूबसूरत व्यू है भाई। तो फाइनली खाना पीना तो हो चुका है, सबसे पहले हम लोगों को उठाना होगा यहाँ से कपड़ा जो हमने धो के रखा था, अब तक तो सूख गया होगा उम्मीद करते हैं। ये रहा अपना कपड़ा, और बाकी खाने का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और अब जो है बज रहा
दो बज रहा है दोपहर का, अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से, कपड़ा उठा लेते सबसे पहले। यहाँ टोपी वगैरह सब धो धा दिए थे हम लोग, देखो यहाँ पे नहाए आराम से मस्त, उसके बाद सामने पहाड़, और अब हम लोग गाड़ी लेकर निकलेंगे यहाँ से। गुड इवनिंग, और हम अभी हैं बिहार और झारखंड के बॉर्डर पे। इस तरफ झारखंड है और उस तरफ देखेंगे तो बिहार का बॉर्डर है। इस दोनों के बीच में अभी हम लोग हैं और वेट कर रहे हैं, अगला आदमी लोकेशन भेजेगा तो उस लोकेशन पे हम लोग जाएंगे। पटना पहुंचने वाले, मतलब कितना रह गया अभी आ? पटना कितना किलोमीटर रह गया? ऑलमोस्ट अभी भी 180 किलोमीटर रह गया पटना पहुंचने में। तो अभी बज रहा है शाम का 5:50, देखते हैं कितना टाइम लगता है। बाकी आप सामने का व्यू चेक करें, एकदम खूबसूरत लग रहा भाई साहब। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कोडरमा जिला, अगर सही बोल पा रहे हैं हम, क्या है कोडरमा कि कोडरमा, कोडरमा घाटी बोलते हैं। और हम लोग जो है यहाँ पहुंच गए उसी के टोल टैक्स से थोड़ा सा पीछे, बस ठीक एग्जैक्ट टोल टैक्स है ना कोडरमा का जो है, टोल टैक्स यहाँ सामने है बिल्कुल एकदम। और यहाँ पे हम लोगों की गाड़ी पार्किंग में लग गई है, और यहाँ पे एक गाड़ी नहीं अनेकों गाड़ी है यहाँ पे, ये देखें कितनी सारी गाड़ी है। और इतना बड़ा पार्किंग है ये कि हर तरफ गाड़ी ही गाड़ी है। और अब हम लोग जो है इस वीडियो को खाना खाने के बाद, एक्सपीरियंस लेने के बाद बिल्कुल एंड करेंगे। मौसम बिल्कुल तगड़ा होने वाला भाई, बिजली चमक रहा एकदम ज़बरदस्त वाला। हम लोग जो है पूरे रास्ते दुआ करते आ रहे थे कि जो बारिश हो जाए बारिश हो जाए, अब ऐसा लग रहा है कि अब बारिश होने ही वाली है। यहाँ इधर देखें, यहाँ पे भी बिजली चमकेगा ज़बरदस्त वाला, ये चमका इधर ही से चमका था। तो ये रहा आज का डिनर, अंडे की भुजिया, रोटी, चापली, कुछ नहीं। तो आज हम लोगों का ये रहा ढाबा जहाँ से हम लोग अभी कंप्लीट खा कर निकले, ये वाला। गुड मॉर्निंग, दिस इज द नेक्स्ट डे। आज हम लोगों का जो है गाड़ी में तीसरा दिन है, और अभी हम लोग जो है रात में खाना खा कर सो गए थे बिल्कुल आराम से, इसलिए कि आज का दिन है संडे का। और अभी हम लोग चल रहे हैं कोडरमा के घाटी में, जो कि बिल्कुल सन्नाटा और बिल्कुल जो है डेंजरस रोड बोल सकते हैं इसको। और यहाँ पे जो इसका लिमिट जो है, स्पीड लिमिट गाड़ी का 10 है, इससे ज़्यादा स्पीड आप नहीं चल सकते। ये कोडरमा का भयानक जंगल, दोनों साइड जंगल ही जंगल है, और जो है बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती जाती रहती है, ये चेक करें। ये देखें इस गाड़ी का कंडीशन, देखें कितनी स्पीड में गाड़ी गई है कि डायरेक्ट ठुक गई गाड़ी। ये गाड़ी कितनी भयानक क्वालिटी हुई है। जबकि झारखंड गवर्नमेंट जो है हर जगह बोर्ड लगा रखा है 10 के स्पीड से ज्यादा आप नहीं चले, आपकी सुरक्षित के लिए जो है 10 का स्पीड मेंशन कर रखा है, बट फिर भी लोग ओवरटेक के चक्कर में अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। अभी दो गाड़ी बस एक मिनट के अंदर में हमने देखा, एक इस तरफ था और एक इस तरफ था, पूरी गाड़ी ओवरलोड गाड़ी पलटी हुई थी भाई। घाटी का मतलब है डेंजरस इलाका, और डेंजरस इलाका का मतलब है कि आप सावधानी से चले वरना दुर्घटना हो सकता है। और सामने पहाड़, चलो यहाँ पे देख रहे हैं बैरियर क्या चीज का होता है, बिल्कुल जरूरी है। ये देखें, ये है झारखंड और ये है बिहार। ये रहा झारखंड, ये रहा बिहार,
यहाँ पे किस चीज का बैरियर लगता है 200 रुपया, ये बिल्कुल जरूरी ज्यादा ना। अपना काम कीजिए आप अपना काम कीजिए, पहले तो बंद कर, आप अपना काम कीजिए, बंद कर पहले, नहीं तो तो ये बिहार और झारखंड का बॉर्डर आप यूं समझे। और अभी यहाँ पे क्या हो रहा था पता ही नहीं चला, वो इसलिए पता नहीं चला कि भैया से 200 रुपया मांग रहा था और अपनी मर्जी से जो है 200 रुपये का पर्ची काट दे रहा था, पता नहीं क्यों और किस चीज़ का। जब हमने वीडियो किया तो बोला कि यहाँ पे वीडियो करने का अलाउड नहीं है, और फिर हाथापाई भी करने लगा, फिर फ़ोन छीनने लगा, फिर वीडियो डिलीट भी कर दिया, वीडियो डिलीट किया, बट ये वीडियो डिलीट हुआ नहीं, बिल्कुल सेफ है। आपने जो देखा अब फिर से देख लें, चलो यहाँ पे देख रहे हैं बैरियर क्या चीज़ का होता है, बिल्कुल ज़रूरी है। ये देखें, ये है झारखंड और ये है बिहार, ये रहा झारखंड, ये रहा बिहार। यहाँ पे किस चीज का बैरियर लगता है 200 रुपया, ये बिल्कुल जरूरी है। ज्यादा ना, अपना काम कीजिए आप अपना काम कीजिए, पहले तो बंद कर, आप अपना काम कीजिए, पहले बंद कर, पहले नहीं तो थोड़ा दिक्कत में भी करो भाई। एक मिनट दादू कर रहा हूं। हेलो हेलो, हाँ हाँ ना, सुबह सुबह सब तूने भी नहीं, अभी नहीं पहुँचे, अभी पहुँचने में टाइम है। ठीक, तो अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं ये एग्जैक्ट लोकेशन है बिहार और झारखंड बॉर्डर का, वहाँ पे जो है पुलिस वाले लोग हैं, और ये रहा बॉर्डर बिल्कुल सामने सामने, और इसका एक फंटा है जो समझाएंगे आपको आगे। तो अब हम लोग बिहार और झारखंड का मेन बॉर्डर जो था वहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, और यहाँ से क्रॉस करने में कितना कठिनाई होता है ये तो ड्राइवर साहब को ही पता होगा, भाई साहब ये लोग ऑल ओवर इंडिया चलते हैं, इन लोगों को ज़्यादा पता है। बिहार में मतलब घुसते ही इस चीज़ का बैरियर, उस चीज़ का बैरियर, और दलाली लोग इतना खाने लगे हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं है। लीगल तरीके से आप पास भी हो जाते हैं तो फिर भी आपको दलाल के हाथ चढ़ना ही चढ़ना है किसी भी सिचुएशन में। अभी यहाँ पे जो है भाई जो 500 रुपये अभी पेमेंट किए हैं पता नहीं किस चीज़ का, जो कि कंपनी की गाड़ी सब कुछ जो है सील पैक वगैरह सब कुछ मतलब लीगल तरीके से, तब भी 500 रुपये इनलीगल तरीके से ये लोग ले ही लेते हैं। आपने हमने भी जिसका वीडियो बनाया था वो भी जो है पता नहीं किस चीज़ का 200 रुपये का पर्ची काट रहा था, जब हम वीडियो चालू किए थोड़ा सा झगड़ा लग रहा, हाथ पकड़ा फ़ोन से डिलीट उलीट कर दिया वीडियो, फिर भी 100 रुपये देना पड़ा, ऐसा सिस्टम है। पटना 150 किलोमीटर यहाँ से, राजगीर 93 किलोमीटर, गया 91 किलोमीटर। झारखंड बॉर्डर क्रॉस करने के बाद बहुत देर के बाद बिहार में भी दिखा है पहाड़, ये देखें थोड़ा सा झारखंड वाला जो बिहार वालों के लिए पहाड़ छोड़ दिया है।